अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पीके। आप लोग मुझे पता है मेरा ही वेट कर रहे थे, तो आप लोगों की क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है और मैं आ चुका हूँ। आपको पता है इस टाइम लंच वगैरह हो रहे होते हैं, आप लोग भी खा के खाना खाया करें, उसके बाद बायोलॉजी का जो है वो लेक्चर लिया करें। तो आपको पता है हमने फिर इतने डीप कॉन्सेप्ट में जाना होता है, उसके लिए इतने ATP खर्च होते हैं। सो उतने ATP बनाने भी चाहिए ना, उतने ATP बनाने के लिए ज़्यादा खाना खाना चाहिए। तो खाना रच के खा करें, नमाज वमाज पढ़ा करें, इसीलिए आप लोगों की जो है वो ब्रेक रखी हुई है। ठीक है, यस सर, आर यू देयर? यस आई एम हियर माय डियर। ओके, अच्छा जी, क्या सवालात आए? आज तो स्टार्ट में ही सवालात आना शुरू हो गए हैं। बच्चों ऐसे ना किया करें। टेस्ट का टाइम सही है, यस टेस्ट का टाइम आज 6 बजे हो गया है नाजरीन, ताकि आप लोगों को अगर कोई मसला है, जैसे कल के टेस्ट में एक प्रॉब्लम आई थी, वो प्रॉब्लम थी 8 बजे के बाद, सो यहाँ कोई मैनेजमेंट का बंदा अवेलेबल नहीं था। सो आज हम टेस्ट लेंगे 6 बजे, ताकि हमारे छुट्टी करने से पहले पहले अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसको रिजॉल्व भी कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स 6 बजे वैसे भी ठीक है, ताकि आपको टेस्ट के बाद भी थोड़ा सा पढ़ाई का टाइम मिल सके, क्योंकि कुछ बच्चों ने अर्तुरुल भी देखना होता है जो ड्रामा चल रहा है, तो उनके लिए भी टाइम जो है ना मिलना चाहिए। सर लगता है आप बहुत खाते हैं यार, खुदा का खौफ करो, मैंने ना सिर्फ आधी प्लेट चावल की खाई है, वो भी बड़ी मुश्किल से मुझे किसी ने दिया। मेरी शेर से लगता है मैं ज्यादा खाता हूँ, कैसे कैसे बोहतान लगा रहे हैं। चलें, आज आप लोगों को मैं एक मजे की बात बताऊं, हमारा नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 स्टार्ट हो चुका होगा। देखते हैं मैनेजमेंट स्टाफ ने इस यूनिट का नाम ठीक किया या नहीं किया, मैंने इनको मैसेज किया था। यूनिट नंबर यूनिट नंबर 5 ठीक हो चुका है जी, लेकिन लेक्चर नंबर 8 लिखा हुआ है, लेक्चर नंबर तो 1 होना चाहिए था, कल लेक्चर नंबर 2 होगा इसका। चलें कोई बात नहीं, इस तरह की चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। हमारा आज नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगा, और आज के लिए आप लोगों के लिए सरप्राइज है कि ये नेक्स्ट यूनिट मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं करवाऊंगा, इसकी जब आप वजह पूछेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये यूनिट आप लोगों ने खुद करना है। क्या लिखना था मैंने, हाँ याद आ गया, MD CAT बायोलॉजी। नेक्स्ट यूनिट इज वैरायटी ऑफ लाइफ। वैरायटी ऑफ लाइफ समझाने के लिए आपको एक छोटा सा डेमो दूंगा, जिसमें आपको सारी वैरायटी ऑफ लाइफ इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएगी। इस वैरायटी ऑफ लाइफ को समझने के लिए आपके पास चैप्टर नंबर 1 से फाइलेटिक लीनिएज है, उसके अलावा मैं एक पिक्चर ढूंढ रहा हूं, अगर वो मुझे मिल जाए। आई टेस्ट पहले नहीं हुआ, नहीं आज आपको मैंने बदली, आई टेस्ट बाद में लेंगे, ठीक है। हाँ जी, सर का सब्जेक्ट सर की मर्जी, बिल्कुल एग्जैक्टली यू आर सेइंग राइट। अच्छा मैं एक पिक्चर आप लोगों को दिखाने लगा हूं, इस पिक्चर में आप लोगों को वैरायटी ऑफ लाइफ सारी समझ आ जाएगी, एक पिक्चर की मार है। सो मुझे ढूंढ लेने दे, मेरे मोबाइल में कहीं पे पड़ी हुई है, अगर तो मिल गई तो आप लोगों का फायदा है, दुआ करें मिल जाए। सर पूरी डिटेल पढ़ाइएगा, हमने ए लेवल में ये नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा भाई, क्या नहीं पढ़ा ए लेवल में आपने, क्या नहीं पढ़ा आपने? अच्छा जी, ए लेवल्स की बुक में 5 किंगडम्स हैं वैरायटी ऑफ लाइफ के, 5 किंगडम्स हैं वैरायटी ऑफ लाइफ का मतलब 5 किंगडम्स हैं, 5 किंगडम्स, इसका मतलब कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। चलें जी, मुझे लगता है डायग्राम मिल गई है, दुआ करें आपको मैं दिखा दें। वैरायटी ऑफ लाइफ का चैप्टर जी, मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा लेकिन जो 5 किंगडम्स है ना उनको मतलब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। किधर है जी वैरायटी ऑफ लाइफ की एक डायग्राम अगर मिल जाए, इमेजेस, स्टूडेंट्स हाँ मिल गई डायग्राम, दिस इज ब्यूटीफुल डायग्राम।
इस डायग्राम को यहाँ पे शो करवाइएगा जरा। जी, लिंक है। स्टूडेंट्स एक डायग्राम आपको शो करवा रहे हैं जिसमें आपको जो है ना सारी वैरायटी ऑफ लाइफ नजर आ जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। वैरायटी ऑफ लाइफ से मुराद जिंदगी की मुख्तलिफ बहारें हैं। आप लोगों को जब नजर आती है लाइफ, तो देखते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ शेप्स के मुख्तलिफ साइज में मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स में है। ठीक है सर, आई हैव रिक्वेस्ट फॉर यू, डोंट माइंड, बट बुक एमडी कैट का आप अपलोड कर दें। हमारे पास सिंध का है, बहुत प्रॉब्लम होती है, हमने डाउनलोड नहीं होता। अच्छा, बुक अपलोड कर दें। ठीक है बच्चों, आज बुक अपलोड हो जाएगी, मुझे मैसेंजर पे शाम को याद करवाना है, बुक अपलोड हो जाएगी। और हुक्म करें। हाँ जी, और हुक्म करें, बुक अपलोड हो जाएगी। तस्वीर शो हुई थी आपको? क्यों भी बच्चों, तस्वीर शो हुई आपको? उम्मीद है तस्वीर शो हो गई होगी। बच्चों ये आपके सामने वैरायटी ऑफ लाइफ की एक पिक्चर शो हो रही है। उम्मीद है इसको देखकर आप लोगों को पूरी वैरायटी समझ आ जाएगी कि ये क्या होती है। इसमें अगर आप ओरिजिन पे देखें, ओरिजिन से लाइफ डाइवर्स होना स्टार्ट हुई है, वैरायटीज में आना स्टार्ट हुई है, बढ़ती चली गई। जिसमें मैं आप लोगों को एक डायग्राम समझा के, मुझे इधर होना पड़ेगा, ठीक है? इधर इधर जो है वो नजर आ रहा है। ओके, हाँ जी बच्चों, ये डायग्राम नजर आ गई आपको। इसमें देखें आपको प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ रही है कि समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है इस डायग्राम के अंदर। इस डायग्राम को कहते हैं ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि जिंदगी एक ट्री की तरह है, जो लाइफ की वैरायटी है ये ट्री की तरह, दरख्त की तरह, जिसके बॉटम से लाइफ फैलती चली गई है। इस फैलने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इस फैलने, अच्छा इतनी स्मॉल पिक्चर कैसे है? अब ये पिक्चर है ही ऐसे है तो हम क्या करें, ये इसको बड़े करके भी आप लोग देख सकते हैं। वैरायटी ऑफ लाइफ आप नेट पे लिखेंगे, आपको ये वाली पिक्चर मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, के अंदर आपको मिलेगा कि सबसे पहले जो किंगडम आया था, सबसे पहले दैट वॉज प्रोकैरियोट्स, जिसको हम किंगडम मोनीरा भी कहते हैं। सबसे पहले किंगडम मोनीरा आया, बॉटम से ये पिक्चर स्टार्ट हो रही है। इसके बाद ये जो किंगडम प्रोकैरियोट है, ये डिवाइड हुआ तीन किंगडम्स के अंदर, ये डिवाइड हुआ, किंगडम नंबर 1, किंगडम नंबर 2 और किंगडम नंबर 3। ठीक है, लेकिन इस तीन किंगडम में डिवाइड होने से पहले ये फर्दर एक किंगडम में जो है वो इवॉल्व हो गया, कन्वर्ट हो गया, जिसको हम किंगडम प्रोटिस्टा का नाम देते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। तो सेकंड आपको जो किंगडम नजर आएगा, दैट विल बी किंगडम प्रोटिस्टा। इस डायग्राम को बना ले, इंशाल्लाह आपका फाका होगा। प्रोटिस्टा के अंदर इसको थोड़ा बड़ा करके लिखें ताकि प्यारा लगे, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को फिर तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये लाइफ का ट्री बनता चला जा रहा है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो प्रोटिस्टा में एनिमल्स की तरह थे, उनसे किंगडम एनिमेलिया एवॉल्व हो गया। कुछ ऐसे थे जो फंजाई की तरह थे, फंगस लाइक थे, उनसे किंगडम फंजाई एवॉल्व हो गया। और कुछ ऐसे थे जो प्लांट लाइक थे, उनसे किंगडम प्लांटी एवॉल्व हो गया। सो मैंने उस पूरी डायग्राम को शॉर्टकट वे में यहाँ पे बना के आपको दिखा दिया है। इसको नोट कर ले, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा इफाका होगा। बच्चों इसको नोट कर ले, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि साइंस कहती है जी प्रोकैरियोट से एवॉल्व हुए हैं जी प्रोटिस्ट। फिर तीन तरह के थे, आप लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिनको हम प्रोटोजुआ कहते हैं, प्रोटोजुआ से एवॉल्व हुए एनिमेलिया, फंगस लाइक प्रोटिस्ट जिनको हम मोल्ड्स कहते हैं उनसे एवॉल्व हुए फंजाई, और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जिनको हम एल्जी कहते हैं। तो मैं लिख भी देता हूं यहां से, ये थे प्रोटो जुआ, इनसे एनिमेलिया बने, ये थे मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स वगैरह, उनसे फंजाई एवॉल्व हुए, और ये कौन थे एल्जी, इनसे एवॉल्व हुए जी प्लांट्स। तो ये एक एवोल्यूशनरी ट्री है,
इसी को हम वैरायटी ऑफ लाइफ भी कहते हैं। अगर आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, अब आप लोगों ने करना क्या है, यू विल ऑल हैव टू मेक अ टेबल, मेक अ टेबल जिसमें आप लोग इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कंपैरिजन करेंगे। दिस इज द योर फर्स्ट असाइनमेंट जो कि आपने लिखनी है, कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विद एग्जांपल्स अमंग फाइव किंगडम्स, मैं फाइव किंगडम पढ़ाता हुआ अच्छा नहीं लगता, ये बच्चों के छोटे 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 जो होते हैं ना सिलेबस, पांचवीं के छठी के, उनके अंदर ये पांच किंगडम पढ़ते होते हैं। तो आपने ये क्या करना है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपने कंपैरिजन का एक टेबल शरीफ बनाना है, एक मेज बनाना है, और वो मेज बना के आपने मुझे सेंड करना है असाइनमेंट के अंदर। तो इस असाइनमेंट के लिए आपको कितना टाइम दिया जाए। हाँ जी बच्चों, बेटे मार्कर डार्क ही है, मार्कर जो है वो डार्क ही है, आप अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएं, ठीक है। फुल डार्क मार्कर है, इसका तो आगे से ब्रश बन गया हुआ है, सो यू हैव टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ योर वीडियो। जिसको भी मार्कर फीका लगता है, एक तो मैं लिखता भी बड़ा हल्का हल्का हूँ ना, मेरा जो स्टाइल है ना लिखने का, मैं दबा के नहीं लिखता, मार्कर बिल्कुल ठीक है, आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। हाँ जी बच्चों, कितने दिन दिए जाए आपको इस असाइनमेंट कंप्लीट करने में, ये जब आप खुद करेंगे ना आपको ज्यादा मजा आएगा। बाकी जो किंगडम प्लांटी और एनिमेली है, ये बहुत ही अजीबो गरीब से चैप्टर्स हैं, ठीक है, उसका मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, ठीक है। अब डायग्राम गायब कर दीजिए, डायग्राम से आपको ये समझ आया कि लाइफ ट्री की तरह है, एक दरख्त की तरह है जिसमें शाखें फैलती चली जाती हैं और नए ऑर्गेनिज्म आते चले जाते हैं, ठीक है। बेटे पोलाइट नहीं हूं, जब मुझे गुस्सा आता है ना फिर मैं अन्नी भी पा देता हूँ, ठीक है। रमेश साहब कह रहे हैं मैं पोलाइट हूं। सर क्या करना है अगेन बता दे, सुने आपने क्या करना है, आपने पांचों किंगडम कौन से हैं, किंगडम प्रोक्रियोटी, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, फंजाई, प्लांट, इन पांचों के कैरेक्टरिस्टिक्स के दरमियान कंपैरिजन का एक टेबल ड्रॉ करना है जिसमें आप लोगों ने कंपेयर करना है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, इनके लोकोमोशंस को, इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को, इनके अंदर रिप्रोडक्शन को, इनके अंदर जो है सेल्स को, जितने पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं आपने वो इनके कंपेयर करने हैं। और अब रह जाता है प्रॉब्लम प्लांटी का और एनिमेलिया का, ऐसे ही है ना, क्यों बच्चों, एम आई राइट? सारी प्रॉब्लम किसमें है, किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया में है, क्यों बच्चों, ऐसे ही है ना बच्चों, क्या मैं ठीक कह रहा हूं, सारी प्रॉब्लम किसमें है, प्लांटी और एनिमेलिया में है। अब हुआ ये लास्ट टाइम जब एंटी टेस्ट पढ़ाया तो क्या हुआ, सारा सारा प्लांटी और सारा सारा एनिमेलिया पढ़ाया, क्योंकि ना आपकी यूएचएस के सिलेबस में ये लिखा हुआ है कि फाइव किंगडम्स और उनके किंगडम्स के नाम लिखे हुए हैं वैरायटी ऑफ लाइफ के ही चैप्टर के अंदर, अलग से नहीं है। तो क्या हुआ जनाब, सारा किंगडम प्लांटी पढ़ाया, सारा किंगडम एनिमेलिया पढ़ाया, एंड गैस वॉट, एंटी टेस्ट हुआ तो क्या हुआ, गैस वॉट, रिपीटर्स को पता होगा, क्यों मैं रिपीटर्स, क्या हुआ था जब एंट्री टेस्ट हुआ था तो एक भी एमसीक्यू किंगडम एनिमेलिया और प्लांटी में से नहीं आया, एक भी एमसीक्यू किंगडम एनिमेलिया और प्लांटी में से नहीं आया। अच्छा जी सर, मैक्सिमम कितने पॉइंट्स होने चाहिए, 10 पॉइंट्स बहुत है, एक भी एमसीक्यू किंगडम एनिमेलिया, इसलिए इस साल मैंने ये सोचा कि आपको मैं किंगडम प्लांटी का एक पेज दूंगा, वन पेज समरी ऑफ पूरी किंगडम प्लांटी, पूरी किंगडम प्लांटी का एक पेज आपको मैं पीडीएफ में दूंगा, अपने नोट्स में अपलोड कर दूंगा, आपने वहां से वो डाउनलोड कर लेना है। और इसी तरह आपने पूरे किंगडम एनिमेलिया को एक पेज के ऊपर याद करना, वो पेज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उस पेज के ऊपर पूरा किंगडम एनिमेलिया होगा, आप खुद परेशान हो जाएंगे ये किया क्या हुआ सर ने, क्यों बच्चो, ऑल राइट, मैं आपको क्या दूंगा, पूरी किंगडम प्लांटी जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, उसका
एक पेज दूंगा, उस एक पेज पे पूरा किंगडम प्लांटी की समरी लिखी होगी, पूरा पूरी गाइडलाइन लिखी होगी कि कौन सी डिवीजन सब डिवीजन में क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, और उसके साथ ही किंगडम मैंने मिले गई, मैं सिर्फ क्या दूंगा, एक पेज, सिर्फ एक पेज दूंगा, हालांकि 40 पेजेस का चैप्टर है वो बुक के अंदर, सो सिर्फ एक पेज दूंगा। अच्छा बच्चों आपस में कमेंट्स ना करें, टीचर की बात मानेंगे, ठीक है? हाँ जी, टीचर्स की बात माने हैं, हाँ जी। अगर इस बार दोनों में से आगे तो क्या होगा, तो उसी लिए तो मैं दे रहा हूं, उसी लिए तो आपसे कंपैरिजन का टेबल बनवा रहा हूं, उसी लिए आपको प्लांटी का भी एक पेज दूंगा, एनिमेलिया का भी एक पेज दूंगा, ठीक है? उस एक पेज के ऊपर आप देख के खुश हो जाएंगे, बहुत आसान करके पूरा किंगडम प्लांटी लिखा हुआ है, बहुत आसान करके किंगडम एनिमेलिया एक पेज के ऊपर, ओके? तो उनको मिलेगा सिर्फ एक शर्त पे मिलेगा, अगर बच्चे आपस में बात करना बंद करेंगे तो मैं ये दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी मेहनत हुई है। आपको पता है किंगडम प्लांटी और एनिमेले कितने जालिम चैप्टर्स हैं, सो अगर आप लोग चुप नहीं होंगे तो मैं आपको ये पेजेस शेयर नहीं करूंगा, ओके? कोई बच्चा किसी को चुप ना करवाए, सारे बच्चे मेरी बात मानकर खुद ही चुप हो जाएंगे, ओके? लें जी, ये बात क्लियर हो गई। आपके पास इस कंपैरिजन के टेबल बनाने का जो टाइम है वो 3 डेज तक का टाइम है, 3 डेज, 3 दिन आपको मैं दे रहा हूं। आज ट्यूसडे, आपने फ्राइडे को मुझे सबमिट करवा देना है, फ्राइडे को मुझे सेंड कर देना, मैसेंजर पर आप उसकी पिक्चर लेके मुझे सेंड कर देंगे, ओके? फ्राइडे को आपका आपकी डेडलाइन है, ये टेबल मुझे आपने बना के देना है, जो सबसे अच्छा टेबल बनाएगा उसको मैं शाबाशी भी दूंगा। तो फ्राइडे इज द डेडलाइन, आपने पांचों किंगडम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के मुझे सेंड कर देने हैं। चलें जी, ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 5, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। टुडे वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, क्योंकि वायरस बच्चों ऐसे पार्टिकल्स हैं, दीज आर नॉट ऑर्गेनिजम्स, वायरस ऑर्गेनिज्म नहीं है, वायरस पार्टिकल्स हैं, और इन पार्टिकल्स को हम आमतौर पर ए सेल्यूलर पार्टिकल कहते हैं। ए सेल्यूलर मीन इनमें सेल्स नहीं होते हैं, ये सेल्स से नहीं बने होते हैं, इसीलिए हमने इनको 5 किंगडम्स के अंदर भी प्लेस नहीं किया है, ठीक है? चलिए जी, नाउ आई एम गोइंग टू हाइड द चैट, ठीक है? जिसको समझ नहीं आई ना वो एक बार मेरे लेक्चर को रिपीट करके सुन ले, क्यों बस बहुत दफा मैंने रिपीट कर दिया, सो आई हैव हाइडेड द चैट, नाउ यू विल फोकस ऑन द लेक्चर। चलें कर दें, ऑन है। चलें जी, ए सेलुलर पार्टिकल है वायरस, ध्यान से इधर फोकस करें, सारी चीजें सुन लें, खाना पीना छोड़ दें, जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस इज नॉट अ सेलुलर, इट इज ए सेलुलर, क्योंकि इसके अंदर सेल्स जो है वो नहीं होते हैं। अब ये क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन बड़ी आसान सी लिखी हुई है, वायरस का जो वर्ड है ये विनोम से निकला है, जिसका मतलब है पॉइजनस फ्लूइड। बचपन से हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि हमें ये बताया गया था कि वायरस एक जहर होता है, जस्ट जहर होता है, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये इन्फेक्ट करता है, मार देता है, बीमारियां पैदा करता है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता वायरस के बारे में, ये पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर कई साइंटिस्ट आए, उन्होंने जो है वायरसेस के ऊपर रिसर्च की, और फाइनल रिसर्च के मुताबिक पता चला वायरस की जो कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर से पहले हम कंपोजिशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। वायरस की कंपोजिशन के अंदर 2 चीजें होती हैं, नंबर 1 प्रोटीन होता है, और नंबर 2 न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड 2 तरह का हो सकता है, इट मे बी आरएनए और इट मे बी डीएनए। प्रोटीन आमतौर पर कोट बना देता है, वायरस का कोट बना देता है, और जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये आमतौर पर जीनोम बनाता है वायरस का,
जीनोम मीन जिसके अंदर वायरस की जीन होती है। कुछ वायरसेस की जीन्स डीएनए पे होती हैं और कुछ वायरसेस की जीन आरएनए पे होती है। नहीं, ये नीचे पीछे से कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, पहले के हैं, ठीक है, ओके। प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड का जीनोम होता है, अगर हम इसको ड्रॉ करके देखें तो ये हमारा वायरस है। सपोज कर लें ये वायरस है, इसका ये जो कोट है, दिस इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का बना हुआ है। इसकी मिसाल समोसे जैसी है, वायरस की मिसाल ना मैं समोसे जैसी देता हूँ। समोसे का एक बाहर वाला जो है ना, आटे का बना हुआ जो है वो लिफाफा होता है, वो जो लिफाफा होता है उस लिफाफे को हम प्रोटीन कोट कहते हैं। दिस इज द प्रोटीन का बना हुआ कोट। और उसके अंदर जो आलू वाला मसाला भरा हुआ होता है, जो मसाला भरा हुआ होता है वो जीनोम होता है। दैट मसाला इज डीएनए और इट इज आरएनए। यहां मैंने ये डीएनए बनाया, सो दिस इज द कोर। और ये जो कोर है, कोर अंदर वाली चीज को बोलते हैं, और इसको हम आमतौर पर जीनोम का नाम भी दे देते हैं। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर आपको एक एमसीक्यू जो है वो मैं बताता हूं। एमसीक्यू के अंदर आप बताएंगे कंप्लीट मैच्योर, कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल इज कॉल्ड। तो आपके पास अल्फा है वायरस, वायरसेस कर लें वायरसेस। आपके पास बीटा है वायरियन, आपके पास चार्ली है वायरॉइड, और आपके पास डेल्टा है नन ऑफ दीस। कंप्लीट इन्फेक्शियस मैच्योर पार्टिकल को क्या नाम देंगे? तो आपके पास जवाब होगा वायरियन का नाम देंगे, क्योंकि जो एक वायरस बन जाता है जो किसी के अंदर बीमारी पैदा करने के काबिल है उसको हम वायरियन का नाम देते हैं। और उसका जब हम स्ट्रक्चर खोलते हैं तो हमें ये दो चीजें मिलती हैं, कोट और कोर। कोट को हम आमतौर पर कैप्सिड का नाम भी देते हैं, कैप्सिड। कैप्सिड को जब हम खोलते हैं तो हमें मिलते हैं कैप्सिड के अंदर बने हुए छोटे छोटे कैप्सोमेयर्स, कैप्सो। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यहाँ पे कैप्सोमेयर्स की जो तादाद होती है वो हर वायरस के लिहाज से स्पेसिफिक होती है, ठीक है। समोसे मुख्तलिफ होते हैं ना, हर समोसे का साइज अपना होता है, उसके अंदर आलू भी उतने ही भरे हुए होते हैं। वो बड़ा वाला समोसा होगा तो बड़े ज्यादा आलू होंगे, मतलब हर किसी का अपना बनाने का स्टाइल है। तो वायरसेस के अंदर जो कैप्सिड है, ये जो कैप्सिड है जो मैंने डार्क किया हुआ है, इस कैप्सिड के अंदर जो कैप्सोमेयर्स हैं उनकी तादाद भी स्पेसिफिक होती है। सो आपकी बुक के मुताबिक दो तादाद आपने याद करनी है, एक आपने हर्पीस की याद करनी है 162 और एडिनो वायरस की याद करनी है आपने 252। सो दो आपके यहाँ पे एमसीक्यूज हैं। नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स इन हर्पीज वायरस इज 162 एंड द नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स इन एडीनो वायरस इज 252। सो ये तो एफएससी में बड़े मशहूर एमसीक्यूज थे जो आपने याद किए, लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन क्या होते हैं? भूल जाते हैं। अब आपको मैं सिखाता हूँ एनवेलप क्या होता है। उसको समझाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं, जब आप कोट और कोर दोनों को मिला के डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है और कैप्सिड है, कोट को हमने कैप्सिड का नाम भी दिया है, कोट को हमने आल्सो कॉल्ड कैप्सिड। सो इन दोनों को मिला के न्यूक्लियो कैप्सिड भी कहते हैं। सो न्यूक्लियो कैप्सिड इज इक्वल टू, न्यूक्लियो कैप्सिड इज इक्वल टू जीनोम, जीनोम प्लस कैप्सिड। न्यूक्लियो मीन न्यूक्लिक एसिड, सो न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए था वो जीनोम है। सो ये इक्वेशन लिख लें, इस इक्वेशन के बेस पे आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि न्यूक्लियो कैप्सिड में कौन शामिल है। तो आपने बताना जीनोम भी शामिल है, कैप्सिड भी शामिल है। अब आपको इसी से एक एमसीक्यू मैं लिखवाता हूं, कौन शामिल नहीं है, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन न्यूक्लियो कैप्सिड। न्यूक्लियो कैप्सिड में कौन इंक्लूड नहीं है? तो पहला आपके पास आंसर है अल्फा जीनोम, बीटा है आपके पास कैप्सिड, चार्ली है आपके पास डीएनए, और डेल्टा है आपके पास एनवेलप।
एनवेलप। तो याद रखें एनवेलप जो होता है ना बच्चों, एनवेलप ये न्यूक्लियो कैप्सिड का हिस्सा नहीं होता है। एनवेलप क्या होता है, एनवेलप आपको अभी सिखाते हैं। अगर वायरस के गिर्द एक और एनवेलप मौजूद हो जो किसी होस्ट से डराइव किया गया हो, तो ऐसे वायरस को एनवेलप्ड वायरसेस का नाम दिया जाता है। सपोज ये वायरस है, ये मैंने दोबारा वायरस बनाया है और इसके गिर्द आपको एक मैंने मेम्ब्रेन बना के दी है। ये मेम्ब्रेन बेसिकली उस होस्ट की मेम्ब्रेन है जिस होस्ट में से ये बाहर नहीं निकला है। अगर मैं सेल बनाऊं आपके सामने, तो सेल के अंदर जब वायरस तैयार होता है तो इसकी एक्सोसाइटोसिस होती है। एक्सोसाइटोसिस के वक्त ये जो मेम्ब्रेन है ये बाहर की जानेब फोल्ड होती है। ये इसकी अपनी जो है मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन है, होस्ट की मेम्ब्रेन है। सो ये वायरस जब होस्ट की मेम्ब्रेन से बाहर आएगा तो ये वाली मेम्ब्रेन इसके गिर्द ही आ जाएगी। यही मेम्ब्रेन बाद में जाकर क्या बनेगी, इस वायरस का एनवेलप बन जाएगी, इस वायरस का एनवेलप बन जाएगी। सो जो वायरसेस एनवेलप्ड होते हैं वो एनवेलप कहां से लेकर आते हैं, एमसीक्यूज है, एनवेलप कहां से लेकर आते हैं। तो आपने देखा एनवेलप डिराइव किया जाता है फ्रॉम होस्ट। जो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन होती है वही मेम्ब्रेन वायरस के गिर्द एनवेलप बना देती है। सो इस समोसे को आपने एक लिफाफे में अगेन पैक कर दिया। जिस दुकान से आप समोसा लेकर आए हैं उस दुकान ने आपको समोसा लिफाफे में पैक करके दिया है मजीद। सो एक तो लिफाफा समोसे का अपना था वो जो आटे का बना हुआ है, उसके बाद आपने उसको पैक करवाया, तो ये जो पैकिंग है जो आपको दुकान वाले ने करके दी जिससे आप समोसा लाए हैं, ये एनवेलप है उसके ऊपर, मजीद एनवेलप है। सो दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम होस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, क्योंकि अक्सर बच्चों को नहीं पता होता कि ये एनवेलप कहां से आया। तो याद रखें एनवेलप कहां से आया, एनवेलप होस्ट से आया। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल एमसीक्यू। आपको होस्ट से एक एनवेलप कैसे मिला ये भी समझ आ गया, इस इक्वेशन को लिख ले। अगर हम न्यूक्लियो कैप्सिड में से कैप्सिड रिमूव कर दें तो खाली जीनोम बच जाएगा, जीनोम रिमूव कर दें तो कैप्सिड बच जाएगा। ये इक्वेशन है, इक्वेशन को प्लस माइनस किसी भी तरह करके आपसे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर के बाद एक एमसीक्यू आपसे पूछते हैं विच वन is only made up of, which one is only made up of protein, ऐसे पार्टिकल जो सिर्फ प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं उनका नाम क्या है। तो आपके पास आंसर है वायरॉइड, सेकेंड आंसर है आपके पास वायरस, थर्ड चार्ली है आपके पास प्राइन, और आपके पास डेल्टा है वायरॉन। तो चार आपके पास ऑप्शन हैं। वो कौन से पार्टिकल्स हैं जो खाली फॉर प्रोटीन, पी फॉर प्राइन, प्राइन प्रोटीन्स होते हैं और यही इंफेक्शन पैदा करते हैं। सो प्राइन्स आर इंफेक्शियस प्रोटीन। अगर ये प्रोटीन ऐसी एबिलिटी रखती है, ऐसी सलाहियत रखती है कि ये इंफेक्शन पैदा कर सकती है, तो बड़ी खतरनाक प्रोटीन है। इसका मतलब वो जो सारी इंफॉर्मेशन है वो इस प्रोटीन के ऊपर ही पड़ी हुई है। जो रेप्लिकेशन की इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन फॉर कंप्लीट लाइफ, कंप्लीट एक्टिविटीज, जिसमें इसने रेप्लिकेशन वगैरह भी करनी है, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोटीन के ऊपर ही पड़ी हुई होगी। हालांकि हमने पढ़ा है कि जो इंफॉर्मेशन होती हैं ये पड़ी भी होती हैं कहां पर, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर पड़ी भी होती हैं, डीएनए के ऊपर या आरएनए के ऊपर, लेकिन ये स्पेशल प्रोटीन से बने हुए पार्टिकल्स हैं जिनकी सारी इंफॉर्मेशन जीन्स के अलग जिनको वो प्रोटीन्स के ऊपर ही पड़ी हुई होती है। वायरस के बारे में मैंने आपको बता दिया, वायरस कंसिस्ट ऑफ बोथ, इसमें प्रोटीन भी होती है और न्यूक्लिक एसिड भी होता है। वायरॉइड इज ओनली कंपोज्ड ऑफ आरएनए। सो इससे मैंने कई आपको एमसीक्यू सॉल्व करवा दिए, कौन से पार्टिकल सिर्फ आरएनए के बने हैं, कौन से दोनों के बने हैं, जिसमें आपके पास न्यूक्लिक एसिड भी होगा
और उसके साथ साथ आपके पास प्रोटीन भी होगी। और देखें इस तरफ सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है, इस तरफ खाली प्रोटीन है, बीच में वायरस है, वायरस दोनों चीजों से मिलकर बना है। तो इससे आपको कई एमसीक्यूज कवर हो गए हैं। चलें जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनकी चैट खोल दें ताकि मैं इनके कुछ कमेंट्स देख लूं और इनके सवाल का जवाब आप भी दे दूं। स्ट्रक्चर आपको मैंने समझा दिया है, स्ट्रक्चर के हवाले से अगर किसी ने कोई बात पूछनी है ठीक है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, हाँ जी स्टूडेंट्स, शाबाश, आप कोई क्वेश्चन करना है तो जल्दी से कर लें। वेरी गुड, काफी देर से अपने उसके ऊपर आपने क्या नाम है ब्रेक पे पांव रखा हुआ था, तहमुल का जो है वो मुजाहरा किया था। सर फार्मूला कौन सा, फार्मूला फार्मूला फिर लिख दें, फिर कौन सा फार्मूला, अच्छा फार्मूला फिर लिख दें। फार्मूला इज इक्वल टू न्यूक्लियो कैप्सिड, न्यूक्लियो कैप्सिड इज इक्वल टू जीनोम यानी न्यूक्लिक एसिड, जीनोम प्लस प्रोटीन या कैप्सिड, या कैप्सिड इसके गिर्द अगेन एक एनवलप आ जाता है। सो दोबारा लिख दिया ठीक है। वायरॉन किससे बना, वायरॉन एक वायरस को ही कहते हैं, वायरॉन एक वायरस को ही कहते हैं, जिस तरह हमारी हमारे जिस्म को बॉडी कहते हैं ना, वायरस के जिस्म को वायरॉन कहते हैं। वायरॉन एक वायरस ही होता है, वायरॉन वायरस ही होता है, वायरॉन क्या होता है बच्चों, वायरस ही होता है ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर। आरएनए से सिर्फ वायरॉइड बना हुआ होता है। हाँ जी, अब बच्चों बताएंगे प्राइम से कौन सी बीमारियां होती हैं, आपकी बुक में लिखी हुई है, प्राइम से कौन सी डिजीजेज होती हैं, जल्दी से दो बीमारियों के नाम आपकी बुक में लिखे हैं जल्दी से मुझे बता दें ठीक है। वायरस को ही, जब एक वायरस जवान हो जाता है ना, जवान वायरस को वायरॉन कहते हैं। चलिए जी, अब मैं मिटाने लगा हूं, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया आपको। चलें जी, स्ट्रक्चर क्लियर करने के बाद हम चलते हैं शेप्स के ऊपर। शेप्स स्पेसिफिक नहीं होती, सारों की शेप्स डिफरेंट होती हैं। आपको दो तरह के वायरसेस पढ़ाए जाते हैं आमतौर पर, कुछ जो होते हैं वो, बल्कि तीन तरह के वायरसेस, वायरसेस, ये मार्कर अभी ठीक काम नहीं कर रहा। वायरसेस जो होते हैं मैं आपको वैसे बता देता हूँ, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बैक्टीरियोफेज कहते हैं, और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनको एनिमल वायरस कहते हैं, जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनको प्लांट वायरसेस कहते हैं। सो मैं वायरस की लिखने लगा हूं क्लासिफिकेशन, इसको नोट कर लें। वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ विद रिस्पेक्ट टू, हम कहते हैं होस्ट, होस्ट के हिसाब से वायरस की तीन टाइप्स हैं, होस्ट के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू होस्ट, जिनमें पहली आती है बैक्टीरियोफेज, दूसरी टाइप है एनिमल वायरस, तीसरी टाइप है प्लांट वायरस। सो जो बैक्टीरियोफेज है उनकी शेप्स अलग है, ये नॉर्मली टैडपोल होते हैं, एनिमल और प्लांट वायरसेस की शेप्स अलग है। शेप्स आप लोग बुक से देख के खुद ही याद कर लेंगे, मुख्तलिफ शेप्स बनी हुई है, राउंड, टैडपोल, रॉड लाइक, मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो शेप्स है ठीक है। सिर्फ स्ट्रक्चर करना है आपकी बुक में, यूएचएस में सिर्फ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। उसके बाद आप अगर वायरसेस को डिवाइड करें विद रिस्पेक्ट टू जीनोम, विद रिस्पेक्ट टू जीनोम, तो वायरसेस जो है ना वो मे बी दो टाइप्स के होते हैं, वायरसेस मे बी आरएनए वायरस, और इट मे बी बच्चों डीएनए वायरस, डीएनए वायरस। उसके अलावा अगर आप वायरसेस को क्लासिफाई करें विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू एनवलप, एनवलप, तो इसमें दो टाइप्स आएंगी आपकी, कुछ ऐसे होंगे जिन पे एनवलप होगा उनको हम एनवलप्ड कहेंगे, और जिन पे एनवलप नहीं होगा उनको हम नेकेड कहेंगे या नॉन एनवलप्ड भी कहेंगे, नॉन एनवलप्ड भी कहेंगे।
हाँ जी, ये लिख लें जल्दी से। वायरस की क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई, किला इस मार्कर को क्या हुआ। हाँ जी बच्चों, वायरसेस की क्लासिफिकेशन मैंने आपको एक बहुत ही सादा अल्फाज में समझा दी है, क्लासिफिकेशन, तो आप वो कभी भी नहीं भूलेगी। होस्ट के हिसाब से तीन तरह के वायरस होते हैं और जीनोम के लिहाज से दो तरह के होते हैं, डीएनए आरएनए। अब आपकी बुक में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम याद करेंगे, जिनको हम याद करेंगे, ठीक है। अब आरएनए आपकी बुक में कौन से हैं, डीएनए आपकी बुक में कौन से हैं? हाँ जी, तो याद रखें स्मॉल हर्ब या हर स्मॉल बैलून, ठीक है, ऐसे कर लें, हर स्मॉल बैलून या बाल कर लें। ये तीन वायरसेस जो है ना, ये डीएनए वायरसेस हैं, इनके अंदर डीएनए होता है, और हर्ब से मुराद हर्पीज है, हर्पीज वायरस है, स्मॉल से मुराद स्मॉल पॉक्स है, और बी से मुराद हेपाटाइटस बी है। ये तीन वायरसेस ऐसे हैं जिनके अंदर डीएनए होता है, बाकी सारों के अंदर जो आपकी बुक में मेंशनड है उनके अंदर आरएनए एज ए जीनोम एग्जिस्ट करता है। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया कि कौन सा आपकी बुक में आरएनए वायरस है, कौन सा आपकी बुक में डीएनए वायरस है। इस फॉर्मूले के मुताबिक आप सारी चीजें याद कर सकते हैं। इनकी चैट फिर से बंद कर दे, जब दोबारा क्वेश्चनिंग्स के आपको मैं टाइम दूंगा तो आप दोबारा चैट कर सकेंगे। हाँ जी, हर स्मॉल बैलून, हर्पीस वाला, स्मॉल वाला, स्मॉल पॉक्स वाला वायरस, और हेपेटाइटिस बी वाला, बी फॉर हेपेटाइटिस बी, ये वाले वायरसेस के अंदर डीएनए होता है, बाकी सारे वायरसेस जो आपकी बुक में हैं, जो आपकी बुक में हैं, वो आरएनए रखते हैं। ये हो गया। अब जो है आपको मैं सिखाता हूं कि किस तरह याद रखना है एनवेलप्ड कौन है, किस तरह याद रखना है नेकेड कौन है। आप नेकेड हैं, आप नेकेड है, आप मीन हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए, और पी मीन पोलियो। आप जो है ना नेकेड है, आप कौन है, नेकेड यानी नॉन एनवेलप्ड है, नेकेड मीन नॉन एनवेलप्ड, आप नॉन एनवेलप्ड है, बाकी सारे क्या हैं, ऑल अदर आर एनवेलप्ड। इन दो के अलावा आपकी बुक में जितने वायरसेस का जिक्र है वो सारे एनवेलप्ड होते हैं, आप नॉन, आप नेकेड है। आप बचपन में भी वैसे नेकेड ही घुमा करते थे, ठीक है, सब लोग, सब जाहिर सी बात है, एक जनरल सा फिनोमिन है। सो आप नेकेड हैं, ठीक है, बचपन में नेकेड थे आप। आपसे मुराद, आप ए से हेपेटाइटिस ए, पी फॉर पोलियो। ये दो वायरसेस जो आपकी बुक के स्कोप में हैं, उनका एनवेलप नहीं होता, आपके अलावा बाकी सारों का एनवेलप होता है। सो दो ट्रिक्स बताए, आपको समझ आ जाएगा। अब ये तो आसान ही है ना, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा वो बैक्टीरियोफेज है, जो गोट्स को, शीप्स को, ह्यूमंस को अटैक करेगा वो एनिमल वायरस है, जो प्लांट को अटैक करेगा वो प्लांट वायरस है। उसके अलावा आपकी बुक में एक और लिहाज से भी क्लासिफिकेशन दी हुई है, जिसको हम लोग कहते हैं कि मॉर्फोलॉजी के लिहाज से तीन तरह के मशहूर वायरस है, रॉड, स्फेरिकल और टैडपोल। तो इसके अब मैं चौथा भी आपके सामने बना देता हूं, चौथा भी बना देता हूं आपके सामने, चौथा भी आपके सामने बना देते हैं विद रिस्पेक्ट टू मॉर्फोलॉजी के लिहाज से आपको मिलेंगे जो वायरसेस वो कितनी तरह के होंगे। स्टूडेंट्स नोट डाउन मॉर्फोलॉजी के लिहाज से आपको वायरसेस तीन तरह के मिल रहे हैं जो मशहूर हैं, जिनमें स्फेरिकल मशहूर है, रॉड लाइक मशहूर है, और टैडपोल लाइक मशहूर है। सो शक्लों के लिहाज से तीन है, जिसमें रॉड शेप को टीएमवी कहा गया है, टीएमवी का मतलब है टोबैको मोजेक वायरस। स्फेरिकल जो वायरस है
उसका नाम पोलियो वायरस है, पीवी पोलियो वायरस है। टैडपोल जो है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया, वो बैक्टीरियोफेज है, जिसकी एग्जांपल T4 बैक्टीरियोफेज है, वो टैडपोल है। अब बैक्टीरियोफेजेस और एनिमल और प्लांट वायरस की कुछ इंफॉर्मेशन है, उनको मैं आपको शॉर्टकट में लिखना सिखा देता हूं, उसके बाद हमारे पास टाइम भी कम है, ठीक है। वेयर इज द टाइम, हाँ जी, तो बैक्टीरियोफेज दो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिनको हम क्यूबिकल और हेलिकल सिमेट्री का नाम देते हैं। बैक्टीरियोफेज की सिमेट्री दो तरह की होती है, जिनको हम क्यूबिकल और हेलिकल सिमेट्री का नाम देते हैं। क्यूबिकल जो होती है आपकी बुक के मुताबिक, क्यूबिकल जो होती है वो रेगुलर सॉलिड भी हो सकती है और आइसोसेहेड्रल भी हो सकती है। रेगुलर जो क्यूब होता है वैसे भी हो सकती है और आइसोसेहेड्रल भी हो सकती है। आइसोसेहेड्रल के स्पेलिंग, जी बिल्कुल ठीक मैं लिख रहा हूं, आइसोसेहेड्रल का मतलब है जिसके 20 साइडें हों। सो बैक्टीरियोफेज दो हिस्सों में डिवाइड हुआ अपनी शक्ल के लिहाज से, क्यूबिकल और उसके बाद हेलिकल। हेलिकल जो होते हैं वो आमतौर पर रॉड शेप होते हैं। हेलिकल आमतौर पर क्या होते हैं? रॉड शेप होते हैं, रॉड शेप। तो ये आपको बैक्टीरियोफेजेस की मैंने मजीद क्लासिफिकेशन समझा दी। अभी आपके लिए आसान होता जा रहा, पूरा टेबल आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बुक से। एनिमल और प्लांट वायरसेस जो है वो तीन तरह के हो सकते हैं, जो पॉलीहेड्रॉन है या हेलिकल है या एनवेलप्ड है। एनिमल और प्लांट वायरसेस जो है ये तीन तरह के होंगे। अब इनको कहां पे लिखें, जगह खत्म होती जा रही है, यहां लिख देते हैं। दोनों एनिमल भी और प्लांट वायरसेस भी तीन तरह के होंगे। या तो ये किस तरह के होंगे, हेलिकल होंगे या स्पाइरल कहते हैं जिनको, या ये पॉलीहेड्रॉन होंगे, या फिर ये कॉम्प्लेक्स शेप के होंगे, सो एनिमल और प्लांट वायरसेस दोनों जो है ना इन तीन शेप्स के अंदर नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं। सो ये पूरा टेबल आपके सामने बन गया है, सारा वायरस आपको मैंने इस टेबल के जरिए समझा दिया है, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। इनको होस्ट के लिहाज से मजीद आगे हमने शक्लें भी देख ली हैं, इनकी ओवरऑल शक्लें, ये ओवरऑल शक्लें हैं, ये ओवरऑल मॉर्फोलॉजी है, इसको हमने स्पेसिफिक नहीं किया, ओवरऑल मॉर्फोलॉजी। और ये स्पेसिफिक शेप्स जो है वो मैंने आपको समझा दी। अब आपको कभी भी इंशाल्लाह वायरसेस समझने में प्रॉब्लम शरीफ नहीं होगी। हाँ जी बच्चों, अब आप लोगों को चैट एनेबल करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन आपने पूछने, मैंने नहीं पूछने। ले जी, एनेबल चैट एनेबल हो गई है। हाँ जी बच्चों, एवरीथिंग इज क्लियर, फॉर्मूले क्लियर, ट्रिक्स जो मैंने आपको सिखाए हैं वो क्लियर हो गए इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है मजा आ गया होगा, हर चीज जो है वो फिंगर प्रिंट की तरह, ओहो फिंगर टिप की तरह क्लियर हो गई होगी। क्यों बच्चों? एवरीथिंग इज ऑन फिंगर टिप, सारा स्ट्रक्चर आपको मैंने एक ही व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझा दिया है। याद भी हो गया ना बच्चों? किस किस को याद हो गया, सारा वायरसेस का जो चैप्टर है ना, मैंने आपको इसमें समझ, किस किस को याद हो गया? हाँ जी बच्चों, आजकल मैं देख रहा हूँ रिव्यूज देना कम हो गए हैं आप लोगों, और स्टार पता नहीं अच्छा लिखते हैं, वेल डन, और नीचे स्टार एक दे देते हैं, तो ये बुरी बात है। हाँ जी बच्चों, अब ये जो आप लोगों की मैं चैट बंद करता हूँ ना, इसका फायदा आप लोगों को ही होता है, ठीक है? ये याद भी हो गया होगा ना मेरा ख्याल से आपको, हर चीज क्लियर हो गई है। वेरी गुड बच्चों, यू आर माई ग्रेट स्टूडेंट्स। सर आगे भी चैट हाइड कर दीजिएगा तो बहुत फायदा होगा जी, इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे। आप नेकेड हैं कि नहीं, स्क्रीनशॉट ना लिया करें यार, लिखा करें। चलें जल्दी से लें स्क्रीनशॉट, ले लें। आज पहली और आखिरी मरतबा आपको जो है ना स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको मैं दे रहा हूं, क्या नाम है उसको, परमिशन लें जी। अब फॉर्मूले भी याद हो गए आपको हर चीज, सर आप बहुत प्यारे अंदाज में समझाते हैं, आप बहुत प्यारे हैं तो फिर मुझे भी प्यारा अंदाज अडॉप्ट करना पड़ता है, क्यों भी अदनान साहब?
आपके सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है एड्स, ठीक है। एड्स को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, एड्स को डिस्कस कर लेते हैं। ले जी, एड्स के सिम्टम ट्रांसमिशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये जो है ना आपके सिलेबस का हिस्सा है। मैं आपको जल्दी जल्दी जो है वो समझा देता हूँ। अब जो है जी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, बैक्टीरियोफेज और एड्स रह गया, लेकिन बैक्टीरियोफेज आपका नहीं है शामिल यूएचएस के सिलेबस में, अकेला सिर्फ एड्स है। सो एड्स को हम लोग जो है वो देख लेते हैं। अब जो है मैंने दोबारा चैट ऐड कर दिया। सो बच्चों, एड्स एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का डिसऑर्डर है, सिंड्रोम है। ये ऐसा सिंड्रोम है जिसमें एक से ज्यादा मल्टीपल इंफेक्शन हो जाते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसकी जो वजह है, जो इसकी कॉज है ना, कॉज एचआईवी है। बच्चे कहते हैं जी इसकी कॉज कॉन्टेमिनेटेड सिरिंजेस है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट है, ना 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 ना, वो ट्रांसमिशन होती है। कॉज इसकी एचआईवी है, एचआईवी है, ठीक है। एचआईवी इसकी हिस्ट्री वगैरह आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। पहले ये होमोसेक्सुअल्स के अंदर बहुत ज्यादा पाई गई, उसके बाद ये हेट्रोसेक्सुअल्स के अंदर यानी नॉन होमोसेक्सुअल्स के अंदर भी पाई गई। मीन पहले उन लोगों को एड्स होती थी जब एक मेल किसी मेल को खून देता था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करता था। इनको कहते हैं होमोसेक्सुअल्स। किसी ऐसे इफेक्टेड मेल ने खून दिया किसी मेल को, फीमेल को दिया, तो उसको एड्स नहीं होती थी, ये पहले वाले लोग सोचते थे। लेकिन बाद में पता चला, ये फार्मूला रिजेक्ट हो गया। बाद में पता चला अगर आप किसी मेल से फीमेल को खून देते हैं, या फ्लूइड ट्रांसफर होता कोई भी, या फीमेल से किसी मेल को फ्लूइड ट्रांसफर होता कोई भी, तो नॉन होमोसेक्सुअल्स के अंदर भी एड्स ट्रांसफर या ट्रांसमिट हो सकती है। सो पहले ये वाला केस समझा गया शुरू में, अपीयरेंस हिस्ट्री स्टार्ट इधर से हुई थी, लेकिन बाद में नॉन होमोसेक्सुअल्स के अंदर भी एड्स अपीयर होना शुरू हो गई थी। सो सिम्टम्स इसकी बहुत ज्यादा है, जिनके अंदर निमोनिया है, सीवियर किस्म का निमोनिया भी हो जाता उस बंदे को। उसके जो लिम्फ नोड्स होते हैं जहां पे जंग होती है वो सूज जाते हैं। उसके अलावा उसको कैंसर भी हो जाता है, वैस्कुलर कैंसर। वैस्कुलर कैंसर ब्लड कैंसर को कहते हैं, वैस्कुलर सिस्टम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सो कैंसर भी हो जाता है, उसका वेट भी लॉस हो जाता है, और एक मजेदार चीज क्या है, लॉस ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के लॉस होने से क्या होता है, उसको मल्टीपल इन्फेक्शन हो जाते हैं, मल्टीपल इन्फेक्शन हो जाते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको डेली बेस पे कई वायरसेस और बैक्टीरिया अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी आर्मी बचा लेती है हमें। डेली इंडिया का हमला होता है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम तैयार होता है, वो हमें उन इन्फेक्शन से बचा लेता है। लेकिन जब आर्मी करप्ट हो जाएगी, आर्मी खराब हो जाएगी, तो वो जो डेली बेस पे इन्फेक्शन है हमारे, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया वायरस है। इवन इस वक्त आपकी सरफेस पे, मेरी बॉडी सरफेस पे कई बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है माशाल्लाह, हमारे इम्यून सिस्टम उनके खिलाफ लड़ रहा होता है। लेकिन जब इम्यून सिस्टम ही फेल हो गया, तो फिर एक बंदे को एक नहीं बल्कि कई इन्फेक्शन एक साथ हो जाते हैं। इसीलिए बहुत बहुत भयानक किस्म की जो है वो डिजीज है। इसकी जो ट्रांसमिशन है, अल्लाह भला करे आपका ट्रांसमिशन जो है वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होती है, कॉन्टेमिनेट सिरिंजेस से। लेकिन ट्रांसमिशन के लिए जरूरी है कि पहला पर्सन जिससे ट्रांसमिशन होनी है वो इफेक्टेड होना चाहिए। हमेशा ट्रांसमिशन इफेक्टेड से आगे होती है, इफेक्टेड से हेल्दी लोगों को ट्रांसमिशन होती है। कभी भी हेल्दी से हेल्दी ट्रांसमिशन नहीं हो सकती, ट्रांसमिशन हमें नहीं एड्स फैल जाता भाई। एड्स फैलने के लिए जरूरी है पहले किसी को एड्स हो, उससे आगे फिर हेल्दी लोगों के अंदर एड्स फैलता है। और उसके लिए कई तरीके हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, कॉन्टेमिनेटेड सिरिंजेस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पता नहीं क्या क्या है। इसकी वैक्सीनेशन बन चुकी है, लेकिन अभी तक मार्केट में कमर्शियल नहीं हुई, आपकी बुक की लाइन है, ठीक है, कि अफ्रीका के अंदर इसके अभी तक ट्रायल चल रहे हैं। सो ये ट्रांसमिशन हो गई, ट्रांसमिशन। और अगर आप इसकी प्रिवेंशन करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको इन्हीं ट्रांसमिशन का जो आपको मैंने सारा तरीका बताया,
इफेक्टेड पर्सन से आपको अवॉइड करना पड़ेगा. यू हैव टू अवॉइड इफेक्टेड पर्सन. इफेक्टेड पर्सन का खून नहीं लेना, इफेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कॉन्टेक्ट नहीं करना, अफेक्टेड पर्सन की कॉन्टेमिनेटेड सिरिंजेस नहीं यूज करनी, इफेक्टेड पर्सन का प्लाज्मा नहीं लेना, इफेक्टेड पर्सन का झूठा पानी नहीं पीना, इफेक्टेड पर्सन से जो है वो आपने रब्ता नहीं करना किसी भी सूरत में. सो प्रिवेंशन और कंट्रोल जो है वो अवॉइड करने से होगी, जिसको हम क्या नाम देते हैं, हिफाजती तदाबीर, जो आजकल कोरोना के बारे में कह रहे हैं हिफाजती हिफाजती हिफाजती. या दूसरा तरीका अवॉइड करने के अलावा, प्रिवेंशन के अलावा, वैक्सीनेशन का होता है. किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको अवॉइड करें. अवॉइड उसको कैसे करेंगे, हिफाजती तदाबीर के जरिए. हिफाजती तदाबीर जो मैंने आपको बताई, उस बंदे से बचें जो इफेक्टेड है. और दूसरा तरीका क्या होता है कंट्रोल का, वैक्सीनेशन. लेकिन ये अभी तक ट्रायल में है, ट्रायल में है, कमर्शियल नहीं हुई. मीन आप उसको मार्केट में लेके नहीं आ सकते. सो कंट्रोल भी हो गया, दो तरीके कंट्रोल के हैं, दवाई इसकी अभी तक कोई नहीं बनी. हाँ, फिर एड्स के पेशेंट्स को कौन सी दवाइयां देंगे, एड्स के पेशेंट्स को ये वाली सिम्टम्स रोकने की दवाइयां देंगे. नमूनिया हो गया तो उसके मारने वाली एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया को मारने वाली देंगे. कैंसर हो गया तो एंटी कैंसर, इस तरह की चीजों की दवाइयां देंगे जिनसे सिम्टम्स कंट्रोल की जा सके. वायरस फिर भी नहीं मरता है, दवाई नहीं ईजाद हुई. सो ये देख लें, जब कोरोना के बारे में भी यही है, उसकी दवाई तो ईजाद हुई नहीं, फिर कौन सी दवाइयां दे रहे हैं लोग उसके अंदर होने वाली सिम्टम्स की दवाइयां देते हैं, सिम्टम्स की दवाइयां देते हैं. सो जिस तरह अजिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं कोरोना को, वो इसलिए नहीं दे रहे कि वो कोरोना से लड़ती है अजिथ्रोमाइसिन, वो कोरोना के अंदर जो फर्दर इन्फेक्शन हो सकते हैं उनसे बचाने के लिए दी जाती है. ठीक है जी, अब आपको लाइफ साइकिल थोड़ी सी मैं समझा देता हूँ. लाइफ साइकिल के अंदर क्या होगा जी, ये आपका सेल है, इस सेल का नाम है टी लिम्फोसाइट, और ये आपका मौजूद है जी वायरस. इस वायरस की खास बात सुन लें, इस वायरस का ये जो है ना, ये प्रोटीन कोट है, दिस इज द कोट, जो कि प्रोटीन का बना हुआ है. इसके अंदर दो आरएनए के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं और दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के एंजाइम पड़े हुए हैं. ये इसका जीनोम है, आरएनए इसका क्या है जी, जीनोम है. सो आरएनए तो काम कर नहीं सकता, डीएनए करता है. तो डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए आरएनए को इन्होंने स्पेशल एंजाइम रखा हुआ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ये वायरस अपने ऊपर स्पाइक्स भी रखता है जो इसने होस्ट से लिए हैं. ये अटैक करता है इस जगह पे, यहां से इसको सिग्नल मिल रहे होते हैं, ये जगह CD4 रिसेप्टर है, यहां पे अटैक करता है, एंटर होता है. सबसे पहले ये अनकॉइल होता है, अनकॉइलिंग के अंदर ये बिखर जाता है इस तरह से, अंदर एंटर होता है इस जगह से. तो एंटर करवा देता हूं मैं, देखें ये एंटर हो गया, इसकी सारी चीजें जो है ना वो अंदर बिखर गई, सारी चीजें टूट गई, ये इसकी जो है ना सारी चीजें ये बिखर गई, अनकॉइलिंग हो गई, सारा कुछ बिखर गया, एंट्री भी हो गई इसकी. एंट्री का हेल्प किसने दिया, उस रिसेप्टर ने. यानी इसको जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा ये अंदर दाखिल नहीं हो सकता. यानी टी लिम्फोसाइट बुलाएगा, यहां से एंटर हो. तो यहां से वो एंटर हो जाएगा वायरस, दिस इज HIV जो एंटर हुआ, उसकी चीजें अब ये पड़ी हुई है बिखर कर. इसके बाद ये क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, बच्चों वाली चीजें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ये आरएनए से डीएनए बनाएगा. क्यों डीएनए बनाएगा, क्योंकि डीएनए ही इसके न्यूक्लियस में जाके इनकॉर्पोरेट हो सकता है. ये न्यूक्लियस का अपना जीनोम है, ये इसके अंदर जाके इनकॉर्पोरेट होगा. ये देखिए ये वाला जो डीएनए मैंने हाईलाइट किया, ये वायरस का डीएनए, एक्चुअली ये आरएनए था, अब ये डीएनए है. और ये पहले हाइब्रिड बनता है, फिर डीएनए बनता है, डबल स्ट्रैंडेड. तो ये डीएनए अंदर चला गया, इसको हम प्रो वायरस का नाम देते हैं. उसके बाद ये क्या करेगा, इस डीएनए की मदद से सेंट्रल डोगमा जो मैंने आपको समझाया, दो चीजें तैयार करेगा अपनी, अपना डीएनए से अपना आरएनए भी तैयार करेगा और प्रोटीन भी तैयार करेगी. ये चीजें फिर यहां बाहर आ जाएंगी और एंड पे ये अपनी सारी चीजों को असेंबल भी करेगा, असेंबली होगी और फिर ये इस साइड से रिलीज भी हो जाएगा. ये जो टी लिम्फोसाइट की मेम्ब्रेन होगी, ये मेम्ब्रेन इसके गिर्द आ जाएगी. उससे पहले ये असेंबल होगा, कोट के अंदर असेंबल होगा,
सारी चीजें उस कोड के अंदर बंद हो जाएंगी। इसको जुड़ने को, स्पेयर पार्ट्स के जुड़ने को हम असेंबली का नाम देते हैं और निकल जाने को रिलीज का नाम देते हैं। सो सेल मेम्ब्रेन ही इसके गिर्द आ जाएगी और ये एनवलप बनकर बाहर निकलेगा। सो इन चार, एक तरफ से मैंने एंटर किया, अंदर उसने अपनी सारी चीजें स्पेयर पार्ट्स तैयार किए, क्योंकि इसके पास अपनी मशीनरी नहीं होती स्पेयर पार्ट्स तैयार करने की, ये होस्ट की मशीनरी से अपने स्पेयर पार्ट्स तैयार करता है और फिर ये दूसरी साइड से बाहर निकल जाता है, रिलीज होता है। रिलीज होके ये दूसरे सेल्स को जाके इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्ट अदर सेल्स। सो ये मैंने आपको एक शॉर्ट सा रिव्यू दिया है, क्योंकि रिव्यू देना होता है, बाकी तो एमसीक्यूज ही होते हैं जो आपने प्रैक्टिस करने होते हैं। सो नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, अदरवाइज हम इस लेक्चर को वाइंड अप कर देते हैं। ठीक है जी, बहुत ही आसान सा था, इसमें कोई बड़ी चीजें नहीं थी, उम्मीद है समझ आ गई होगी। जल्दी से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर मैं आपका टेस्ट स्टार्ट करके मैं लेक्चर वाइंड अप कर दूंगा, मेरा अगली क्लास में लेक्चर है। ठीक है जी, मैं क्या करूंगा, मैं टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा, अगर टेस्ट में से कोई आपको एमसी कुछ पूछना होगा तो आप मुझसे कल पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, हाँ जी बच्चों, एवरीथिंग इज क्लियर? सर फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को एड्स है, क्योंकि ये तो सिम्टम वैसे भी किसी इंसान में, पता कैसे चलेगा? टेस्ट होता है बच्चों, टेस्ट होता है उस टेस्ट से पता चलता है कि इसके अंदर वायरस है कि नहीं, वायरस को डिटेक्ट करने वाला टेस्ट होता है। ठीक है, फिर उस टेस्ट से पता चलता है। सर क्या वायरस का आरएनए डिसॉल्व होगा? क्या मतलब, वायरस आरएनए डिसॉल्व हो जाता है? जी, डिग्रेड हो जाता है, बुक की लाइन है, जो अपना असल वायरस का आरएनए वो डिग्रेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। सर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहाँ होता है, कहाँ बनता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एक एंजाइम है, एंजाइम प्रोटीन है, तो तीसरे स्टेप में जब प्रोटीन बन रही होती है तो वो एंजाइम भी बनती है। ठीक है जी, रिपीट कर दें, रिपीट आप लोग कर सकते हैं दोबारा सुन लें, क्योंकि टाइम अब खत्म हो गया, कल कर देंगे रिपीट। हाउ डिड एड्स फर्स्ट गॉट इन ह्यूमन? मंकी से आया था, सुना ही आपकी बुक की लाइन है, मंकी से ये पहली मरतबा। स्पाइक्स भी, जी स्पाइक्स ग्लाइको प्रोटीन होती है, जो स्पाइक्स है ना ये ग्लाइको प्रोटीन होती हैं, ये रिसेप्टर्स के साथ और एंट्री वगैरह में हेल्प करती हैं, और भी कई फंक्शंस हैं आपकी बुक में नहीं लिखे हुए हैं। स्पाइक्स लिख लें, स्पाइक्स ग्लाइको प्रोटीन की बनी होती है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? सर काइंडली बता दें कि सलाइवा से एड्स ट्रांसमिट होता है? सलाइवा से इतनी ज्यादा कोई रिसर्चेस नहीं है, लेकिन अगर सलाइवा में वायरस हुआ तो ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा ब्लड से और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट यानी सीमन से ट्रांसफर होता है। मिशाल को क्या जवाब दें भाई, कोई क्वेश्चन पूछे? वो मैंने बता दिया कि मंकी से पहली मरतबा ये रिसर्च जो है वो कहते हैं कि मंकी से ट्रांसफर हुआ था। ठीक है जी बच्चों, जिन बच्चों ने ये साइकिल रिपीट करना है वो दोबारा से इस लेक्चर को सुन लीजिएगा। जी बिल्कुल, चिंपैंजी मंकीज वही एक ही बात है। टेस्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, टेस्ट सॉल्व कीजिए और मुझे इजाजत दें। सर मेरा फर्स्ट ईयर सही है बट अब तक क्लियर जवाब नहीं मिला है, क्या मतलब? सर क्वेश्चन मेरा फर्स्ट ईयर से है बट अब तक क्लियर जवाब नहीं मिला, कौन सा क्वेश्चन है बेटा आपका फर्स्ट ईयर से? मैंने जवाब दे दिया कि वो मंकी से पहली मरतबा चिंपैंजी कह लें उनसे ट्रांसफर हुआ था। क्लस्टर डाइजेशन ये इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, सो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर डिस्कशन। चलें जी, आज मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, जो नहीं हुई वो आप लोग खुद पढ़ेंगे। CD4 रिसेप्टर साइट, ये वो सिग्नल है, ये दरवाजा है, जिस तरह हम घर में दरवाजे से दाखिल होते हैं ना, हम किसी मोहल्ले वाले घर में तो नहीं दाखिल होते, हमें पता ये वाला मेरा घर है। सो वायरस को पता होगा जिस सेल के ऊपर CD4 साइट है वो उसी में दाखिल होगा, उसके अलावा नहीं दाखिल होगा। बट हाउ डिड इट गेट इन टू ह्यूमन्स? बता दिया बच्चों, मंकी से। क्या बाहर के लोग जानवरों के साथ नहीं रहते? लोगों ने मंकीज पाले हुए हैं, जानवर पाले हुए हैं, जब उनका मंकीज के साथ कांटेक्ट हुआ होगा उस टाइम वो ट्रांसफर हुआ है। मंकीज का इलाज भी होता है, उनके अस्पताल भी होते हैं, तो कहीं से भी ट्रांसफर हो सकता है। कई ऐसे लोग हैं जो बाहर के मुल्कों में मंकीज के साथ डेली इन कांटेक्ट होता है, रिसर्चर्स मंकीज के ऊपर रिसर्च करते हैं, खून भी निकालते हैं, बड़ा कुछ होता है मंकीज के साथ, तो ट्रांसफर हो सकता है, दैट्स नॉट द बिग डील। चलें जी, उसके बाद म्यूटेशन भी हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, बाकी हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस एमसीक्यूज की करेंगे, कल हमारा एफएलपी भी है, एफएलपी के अंदर आप जो है ना पिछला चैप्टर करेंगे
मियोसिस एंड माइटोसिस और उससे पिछला भी करेंगे, क्रोमोसोम एंड डीएनए दोनों चैप्टर्स को आप एफ एल पी के लिए तैयार करेंगे। चलें जी, अब मैं आप लोगों की का टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे इजाजत दें ताकि जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर सकूँ। ठीक है जी स्टूडेंट, इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल, अगर कोई क्वेश्चन हुआ बाकी तो मैं कल आप लोगों से पूछ कर जवाब दे दूंगा। कल तक के लिए मुझे इजाजत दें, बहुत बहुत अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।